एल्मो से इन दृश्यों को आप देख रहे हैं, जहां G7 देशों के समूह के राष्ट्राध्यक्षों के साथ साथ आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद हैं। अच्छा ठीक है, ये एक फोटो अपॉर्चुनिटी है जो आपको दिखाई दे रही है कि तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ, ये एक परंपरागत तस्वीर G7 शिखर सम्मेलन की है। इस तरह के वैश्विक सम्मेलनों की ये परंपरागत तस्वीर होती है जिसमें तमाम सदस्य देश और जो देश शामिल हो रहे हैं सम्मेलन में वो एक साथ एक तस्वीर में कैद होते हैं, और इसी तस्वीर को आप अपने स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं। शॉल्स एल्मो जर्मनी से ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में इस फोटो अपॉर्चुनिटी, इस तस्वीर के बाद दो सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जिन दो सत्रों को संबोधित करने वाले हैं उसमें बेहद अहम सत्र ये माने जा रहे हैं, जिसमें पहला सत्र होगा ऊर्जा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री देश में किस तरह से प्रगति हुई और विश्व में खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस वैश्विक महामारी के दौर में भारत ने किस तरह से नेतृत्व किया है, विकासशील देशों के तक सहायता का जो हाथ पहुंचा है भारत ने वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराने से लेकर तमाम सहायता के तौर पर, उसको विश्व के सामने रखेंगे, भावी चुनौतियों को रखेंगे। ये G7 शिखर सम्मेलन की फैमिली फोटो है जो आप देख रहे हैं इस समय, और उसके बाद प्रधानमंत्री दूसरे सत्र को संबोधित करेंगे जो जलवायु ऊर्जा, माफ करिएगा, जो खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता पर है। जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्र में भारत ने कई ऐसे कदम, कई ऐसी योजना, नीतियां अपनाई हैं जिसने लैंगिक समानता के क्षेत्र में भारत ने कई उन पिछले कह सकते हैं 20 दशकों के आंकड़ों को तोड़ते हुए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो मानदंड हैं उनको पूरा किया है पिछले कुछ सालों में। ये दृश्य आप देख रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी के शॉल्स एल्मो में, एल्पाइन महल में, कैसल में ये हो रहा है, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं। G7 समूह का भारत